हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी, जो मेडिवल हिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जो बहुत रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वीडियो नंबर 43 है। इससे पहले 42 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, मोटिवेशनल लेक्चर्स, बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आप वो भी देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। इससे पहले हिस्ट्री में हम और वीडियोज़ ला चुके हैं, तो आप वो भी देखते रहिएगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने पद्मावत वध मूवी तो देखी होगी, उसी को अगर आप देख लिया होगा तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी से। अब ये खिलजी डायनेस्टी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी थी, सबसे कम पीरियड की, कम अवधि की डायनेस्टी थी। कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी, राइट। अब पहला किंग ऑफ दिल्ली, जिसने कंट्रोल किया रिलीजन को, धर्म पर ही उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा सिकंदर सानी बोला जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू उन्होंने फिक्स किया था, जिसे बोलते हैं खरज। और ये खरज कैसे फिक्स हुआ था? 50% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, मतलब आधा जो भी लैंड रेवेन्यू इनकर होता था उसका आधा परसेंट आपको देना पड़ता था एज अ खर्च, जो आपको देना ही कंपलसरी पड़ता था। इसके अलावा लगान भी यहाँ पे इम्पोज हुआ, फर्स्ट सुल्तान बने जिन्होंने लगान इम्पोज किया। अब ये लगान जो था वो लैंड इनकम पर, जो भी आपकी लैंड की इनकम अराइज हुई है वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा इन्हें एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तवा खरज, जो टैक्स कलेक्शन के लिए ही सेपरेटली बनाया गया था। इसके अलावा इनके टाइम पर लैंडलॉर्ड और पीजेंट, मतलब जमींदार और किसान दोनों में, मतलब ओनर और पीजेंट में कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि दोनों ही टैक्स रिफॉर्म देते थे, मतलब टैक्स देते थे। इसके अलावा लगान जो बता दिया, लगान का जो बेसिस था वो क्या था? जितना भी कल्टिवेबल लैंड है, मतलब जितनी भी उपजाऊ ज़मीन है उससे जो भी अराइज होता है, जो भी इनकम अराइज होती है, उसका आधा परसेंट, 50% आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप लैंडलॉर्ड हो चाहे आप पेजेंट हो। इसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स। हॉर्सों पर स्टैम्प लगाते थे जिससे वो खो ना जाए, या फिर इनका कोई शौक था कि हॉर्सों पर ये ब्रांडिंग कराते थे, स्टैम्पिंग कराते थे। इसके अलावा स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा टैक्सेस इन्होंने दो फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें ग्रेजिंग टैक्स एज वेल एज हाउस टैक्स, मतलब कैटल्स पर या फिर हट्स पर, जो भी रहने वाली जगह थी एक तो उस पर टैक्स, और जो भी जानवर जिससे जो ग्रेजिंग करते थे कैटल्स वगैरह, उन पर भी टैक्स देना जरूरी था, कंपलसरी था। इसके अलावा इनके टाइम पे एक पर्सन आए थे मलिक काफूर, गुजरात में इन्होंने एक विक्ट्री की थी, तो वहाँ पर इन्हें एक पर्सन मिला था मलिक काफूर, जिन्होंने 1000 दिनार दी थी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था काफूर, दिनार काफूर, राइट। इसके बाद पद्मावत मूवी आप सब ने ही देखी होगी, जिसमें रानी पद्मावती थी और राजा रतन सिंह चित्तौड़ थे, जिनकी लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी, तो वही बताया गया। ये बुक किसने लिखी थी? अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। अब ये किसने लिखी थी? मोहम्मद मलिक जैसी, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये हमारा ख़त्म होता है खिलजी डायनेस्टी। इससे पहले हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ चुके हैं और मुस्लिम इन्वेशन पढ़ चुके हैं, और आने वाली वीडियोस में हम तुगलक पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे, और फिर उनका रिवीजन करेंगे। आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट्स, हाल ही में दो न्यू ब्रिजेस लॉन्च हुए हैं, जिसका नाम है पुनिंजा ब्रिज और देविका ब्रिज। ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुए हैं न्यू ब्रिजेस, तो आप इनका नाम याद रखिएगा।
इसके अलावा 2020 में यूनेस्को, आप मुझे बताइएगा यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को में एक रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 ऑन इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन, क्योंकि अब कोविड के टाइम पर हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कहा गया है कि ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस ऑफलाइन, ऑफलाइन ही बेस्ट मीडियम है, लेकिन क्योंकि कोविड है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसकी थीम थी ऑल मीन्स ऑल, सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन सबको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इसलिए इनइक्वालिटी हो रही है, यह इसकी थीम है। इसके अलावा एक कैप्टन क्लेयर कनॉर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गए हैं मैरी लियोन क्रिकेट क्लब के, ये 233 ईयर्स बाद हुआ है। इसके अलावा ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल एज रेड क्रॉस ने लॉन्च किया, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट बन गया है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने ड्रोन माउंटेड ULY स्प्रेयर जो लॉन्च किया है फॉर लोकस्ट कंट्रोल, जो अभी टिड्डों की बात आई थी, टिड्डे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रेयर बनाया है इंडिया ने, जो कि अपने आप में इंडिया में फर्स्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बनी है इंडिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने फॉर द लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके, उनका हेल्थ सही रहे। इसके अलावा हमारे पास कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट जो है वो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका ईयर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, और ये उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसकी थीम क्या थी, मतलब ये बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बेसिकली ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा अपीको मूवमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट, 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कर्नाटका स्टेट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अगेन फेलिंग ऑफ द ट्रीज़ या कंजर्वेशन ऑफ द नेचर के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, कि हम अपनी प्रकृति की देखभाल कर सकें, कंजर्व कर सकें, उसे प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा तेहरी डैम, बहुत फेमस है तेहरी डैम, 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये डैम्स और वो जो भी पॉपुलेशन अराउंड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेरी डैम मूवमेंट चलाया गया था। इसके अलावा सेव साइलेंट वैली 1973, अभी हमने चिपको मूवमेंट पढ़ा था 1973, तो 1973 में ही सेव साइलेंट वैली इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखिएगा, केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इन दोनों के ईयर्स याद सेम है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंजर्व करने के लिए हुआ था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, जो भी डैमेज हो रहे थे साइलेंट वैली में केरला में, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंजर्व